नमस्कार, विवार्ता में आपका स्वागत है। बिहार की हार के बाद टीम मोदी पर चौतरफा हमले शुरू हो गए हैं। भाजपा के बुजुर्ग नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। विवार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, बुजुर्ग नेताओं का कहना है कि टीम मोदी ने जो है दिल्ली की हार से सबक नहीं लिया। देखिए, ये कोई अनपेक्षित नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि दिल्ली और बिहार में जो समानता वो ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो राजनीतिक हार हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे भारतीय जनता पार्टी ने कोई सबक लेकर बिहार में ना कोई मुख्यमंत्री पद का मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया, ना व्यक्तिगत हमलों से बचे, ना जैसे वहां गौत्र का मामला उठाया था, यहां पर भी आपने गौमांस का और दूसरे मुद्दे उठाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नेता उंगलियां उठा रहे हैं, इनके अपने कार्यकाल में, इनके अपने समय में इन्होंने किस तरह की उपलब्धियां हासिल की, आप देखिए। ये वही लालकृष्ण आडवाणी है जिनके नेतृत्व में लगातार चार चार पांच पांच राज्य भी भारतीय जनता पार्टी हारी है। और इससे बड़ी बात यह कि जब उन्होंने जिन्नावाला रिमार्क किया था, जिन्नावाला कमेंट किया था पाकिस्तान जाकर, उसके बाद उनको इस्तीफा देने की नौबत आ गई थी। और यही नरेंद्र मोदी मजबूती से लालकृष्ण आडवाणी के पक्ष में खड़े थे और उन्होंने कोशिश की थी कि जिस तरीके से आडवाणी की छवि धूमिल हो रही है जिन्नावाले कमेंट के बाद, वो नहीं हो। मुझे लगता है कि राजनीति का चक्र है। ये बात बिल्कुल तय है कि जब से बिहार के चुनाव उफान पर आए थे, जब से बिहार चुनावों को लेकर देश भर में एक अलग तरह की प्रतिक्रिया होने लगी थी, बिहार चुनावों पर देश की नहीं दुनिया की नजरें लगी थी, तो यह तय था कि अगर वो हारते हैं तो चौतरफा हमले होंगे, और सबसे ज्यादा उन लोगों से होंगे जिनको फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में उतनी आवाज नहीं मिल रही जितनी मिलना चाहिए। के बयान जो कहीं उपेक्षक से तो नहीं आया है? निश्चित तौर पर। देखिए, अरुण शौरी अगर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमले कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उपेक्षा की वजह से। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा जैसे नेता अगर हमले कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक समय मुख्य धारा के नेता हुए करते थे, भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा तय करने वाले नेता हैं, और आज वो हाशिए पर हैं। तो निश्चित तौर पर ये उपेक्षा की ही आवाज है। तो आने वाले समय में ये नेता मोदी के लिए और मुसीबत पैदा कर सकेंगे? देखिए, मुसीबत बहुत ज्यादा पैदा करने की स्थिति में ये लोग नहीं है। ये खाली उन लोगों के साथ खड़े हैं जो भारतीय जनता पार्टी की इस स्थिति को देखकर आनंद ले रहे हैं, चटकारे ले रहे हैं। मुझे लगता है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को इनके सहयोग और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैं ये मानता हूं कि अगर उनको आवाज नहीं भी मिल रही थी तो भी उन्हें सार्वजनिक मंच पर इस तरह की आवाज उठाने की बजाय पार्टी के भीतर ही इस तरह की आवाज उठानी चाहिए थी। उनको पब्लिसिटी के चक्कर में पड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को वो सहारा, वो संबल देने की आवश्यकता है, जिससे वो भारतीय जनता पार्टी भविष्य में और बेहतर कर सके। मजे लेने के लिए, इस हार पर छिटाकशी करने के लिए तो वैसे ही बहुत सारे लोग बेताब थे और वो इस तरह की छिटाकशी कर भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भलाई इसमें है कि वो इन मार्गदर्शकों को साथ ले, केवल उनको दर्शक न बनाए, उनकी राय का सम्मान करे और इस हार से, इस करारी हार से, इस शर्मनाक हार से सबक ले और धूल झाड़कर कैसे वो उठे, कैसे फिर से खड़ी हो, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने 2 सीटों से अभी 283 तक का सफर तय किया है। तो मुझे लगता है इस पार्टी को अपनी ताकत दिखानी होगी कि बुरे वक्त में कैसे वो सबको साथ लेकर चल सकती है। जयदीप जी, क्या अब ये माना जाए कि मोदी का हनीमून पीरियड समाप्त हो गया, क्योंकि मीडिया से लेकर पार्टी तक में विरोध शुरू हो गया है? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनका हनीमून पीरियड दरअसल दिल्ली के चुनावों के समय समाप्त हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ माहौल बनाने की कोशिश की गई कि वो समाप्त नहीं हुआ है। दिल्ली एक अपवाद है और मैं लगातार कह रहा हूं कि दिल्ली अपवाद नहीं था। दिल्ली से इस हार की, इस तिलस्म के टूटने की शुरुआत हुई थी। लेकिन जो कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, अगर अभी भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जागते हैं, उनको समझ में आता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, दरअसल जमीन पे क्या हो रहा है, और जहां पर राज्य के जाति समीकरण इतने हावी हो वहां उन्हें कैसी रणनीति बनानी चाहिए थी, तो आगे जो तमिलनाडु के और बंगाल के और उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने पड़े हैं उसमें हो सकता है पार्टी कुछ बेहतर करके दिखाए। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे टीम मोदी पर चौतरफा हमलों की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।